व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ओट्स की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही हेल्दी ग्रेन है। वैसे तो ओट्स से बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, लेकिन मैं आपको हेल्दी, टेस्टी एंड न्यूट्रिशन से भरपूर ओट्स की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी। आइए देखते हैं इनमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक कप मैंने ओट्स लिया है और दो कैरेट लिया है, इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे। दो कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च लिया है, एक आलू यानी पोटैटो लिया है, एक कप फ्रोज़न मटर है और एक लार्ज अनियन है, एक लार्ज जिंजर गार्लिक पेस्ट है, रेड चिली पाउडर, दो हरी मिर्च इसको स्लिट कट कर लिया है। पाउडर मसालों में नमक, गरम मसाला और थोड़ा ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून 1 टीस्पून। 3 लार्ज टोमेटो लिया है और थोड़े करी पत्ता। आइए अब एक पॉट में गरम करेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने के बाद उसमें ज़ीरा डालना है। ज़ीरे को ज़रा भून जाने के बाद उसमें प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। वैसे तो पता है आप लोगों को कि ओट्स हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल 0% होता है। अच्छा, अब ज़ीरा होने के बाद इसमें देखिए मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दिया। इसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं खाने के लिए ओट्स। ओट्स को हमें अपनी डेली डाइट में यानी ब्रेकफास्ट में भी हम यूज़ करना चाहिए, दूध में डालकर इसकी खिचड़ी। आज तो मैं खिचड़ी बता रही हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट में लोग दही में भी डालकर खाते हैं, थोड़े नट्स, थोड़े फ्रूट्स डाल के। अच्छा, प्याज होने के बाद इसे मैंने कैरेट डाला। सबसे पहले कैरेट इसलिए डाला क्योंकि कैरेट थोड़ी हार्ड होती है। थोड़ा कैरेट को 2 मिनट सौते करेंगे, थोड़ा सॉफ़्ट हो जाएगी। वैसे तो ये वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं सॉफ़्ट करना चाहिए, थोड़ा क्रंची क्रंची रहती है तो अच्छी लगती है खाने में, इसलिए सिर्फ 2 मिनट ज़रा खाली सौते करना है। कैरेट होने के बाद अब इसमें मैंने पीस डाला है, ये फ्रोज़न पीस है। अगर फ्रेश पीस रहती है तो उसको थोड़ा बॉयल करना चाहिए। अब इसमें कैप्सिकम डाला है दोनों, चूँकि कैप्सिकम और फ्रोज़न मटर बहुत जल्दी ही पक जाती है, इसलिए दोनों को एक साथ डाला है। डाल के थोड़ा कैरेट को मैंने थोड़ा पहले चला लिया था, पीस और शिमला मिर्च मैंने बाद में डाला। अब इसको थोड़ा सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट और रेड चिली पाउडर, थोड़ा मैंने रेड चिली पाउडर डाल लिया है सिर्फ कलर के लिए। वैसे तो तीखेपन के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाला ही है। अब कच्चापन आने के लिए लहसुन अदरक को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि उसकी थोड़ी जो महक रहती है वो चली जाए। वो फिर इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ी में डालने के बाद इसमें मैं टमाटर डालूँगी। ओट्स देखिए हमें वज़न घटाने में भी काम में आता है, डेली डाइट में इसको शामिल करें। इसमें चूंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं होता ना बिल्कुल, इसलिए इस ओट्स में चिकनाई नहीं होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। हार्ट के पेशेंट को भी खाना चाहिए ये, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। अब इसे मैंने टमाटर और करी पत्ता डालकर थोड़ा सा चला लिया है। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, वैसे तो जल्दी जल्दी हो जाता है। इस रेसिपी को बनाने में सिर्फ 10 मिनट आपको लगेंगे, 10 मिनट में ये आपकी पूरी डिश बनके तैयार हो जाएगी। ओट्स को कभी हल्की भूख हो उसमें भी आप इसको झटपट बनाकर खा सकते हैं। अब यह सब्ज़ी होने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूंगी। 1 कप मैंने ओट्स लिया था तो 4 कप इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद इसको मैं मसाले, पाउडर मसाले जो मैंने आपको बताया था वो डालना है। पाउडर मसाले डाल के इसमें नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून 1 टीस्पून दोनों चीज़ें हैं वो डालने के बाद इसको मैं ढक दूंगी बॉयल होने के लिए। ओट्स का पैनकेक तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और कटलेट भी आप अपने गेस्ट के लिए बना सकते हैं, कटलेट भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब देखिए ये पानी बॉयल हो गया है, अब इसमें मैं ओट्स डालूंगी। ये पेशेंट को खिचड़ी, पेशेंट भी खा सकते हैं, बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होने वाली ये खिचड़ी है, बहुत सॉफ्ट होती है और न्यूट्रिशन से भरपूर है क्योंकि इसमें सारी कैरेट, कैप्सिकम, थोड़ा पोटैटो,
थोड़ा पीस, मैंने वेजिटेबल्स भी डाली है इसमें। आप अपने हिसाब से सब्जियां कुछ दूसरी भी है वो भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। अब इसमें मैंने ओट्स डाला है, ओट्स को डालकर अच्छा मिक्स करेंगे, मिक्स बॉईल होने तक पकाएंगे। क्योंकि ओट्स पानी एब्जॉर्ब करता है इसलिए मैंने 4 कप पानी डाला है। अगर बाद में कम पड़ा तो और भी, बॉईल होने के बाद अगर कम पड़ा तो फिर थोड़ा और डाल दूंगी पानी। ये देखिए थोड़ा कम दिख रहा था मुझे तो मैंने 1 कप पानी इसमें और डाल दिया, टोटल 5 कप पानी हो गए। 1 कप ओट्स के लिए 5 कप पानी लगे। अब इसको बॉईल होने के लिए ढककर रख देंगे, 2 मिनट में ये फट से बॉईल हो जाएगा। ढक देने के बाद जल्दी बॉईल हो जाता है इसलिए खुला रख के पकाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको ढक दिया। अब ये देखिए जल्दी से बॉईल भी होने लगा। फिर इसको खोल कर देख चेक करेंगे। अच्छा पक गया ओट्स में खिचड़ी, ओट्स की खिचड़ी अच्छी बन गई है। देखिए अब ये ना ही बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत अच्छी तैयार हुई है खिचड़ी। अब इस पर ऊपर से मैं स्प्रिंग अनियन थोड़ा कट करके रखा था उसको क्रश करके डाल दूंगी। स्प्रिंग अनियन और फिर कोरिएंडर लीव्स है वो मेरे पास, वो दोनों डाल देंगे गार्निश करने के लिए। उससे ज़रा सा फ्लेवर के साथ साथ टेस्ट भी अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा देखने में भी अच्छी लगती है, कलरफुल हो जाती है ये खिचड़ी। कैरेट का कलर ऑरेंज, फिर ग्रीन, कैप्सिकम का, कोरिएंडर का, पेस का, थोड़ा हल्दी का कलर, ये सब थोड़ा कलर मिलके कलरफुल खिचड़ी आपकी तैयार हो जाती है। ये देखिए हमारी खिचड़ी अब डिश आउट कर दिया है मैंने। इसमें ऊपर से मैंने देसी घी डाला है टेस्ट के लिए और हेल्थ के लिए, बहुत ही न्यूट्रिशियस खिचड़ी तैयार हुई है। अब इसको आप सर्व करें। प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको ज़रा भी ये डिश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।